आवाज़ न्यूज़ 24 में जाकिर खान जयपुर से जैसे कि प्रेजेंट में अक्षय पात्र बत्ती पर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन और रामनगर या पुलिस थाने की देखिए कितनी कार्रवाई है, जबकि जयपुर शहर के अंदर हाईवे पर अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी करना कानूनी जुर्म है। मगर यहाँ पर देखा जाता है कि इस बत्ती से अक्षय पात्र की हाईवे पर सारी गाड़ी अवैध तरीके से खड़ी रहती है, जबकि दुकानदारों ने कितनी बार प्रशासन से गुहार लगाई चीज़ के बारे में कि सर हमारी गाड़ियों की तो जगह नहीं रहती, अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि जयपुर शहर के अंदर अगर हाईवे पर अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी होती है तो उस वह बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन रामनगर या थाना जरा सा भी इसकी ओर ध्यान नहीं देता है कि रेड बत्ती यहाँ पर है, मंदिर पास में है, सारी गाड़ी अवैध तरीके से खड़ी रहती हैं, तो इनको क्यों कवर नहीं करवाया जाता है। अब देखिए यहाँ दुकानदार लोगों से हमने बातचीत की, अब देखिए भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज़ के बारे में। हाँ सर बताएं। मैं बालाजी टावर से मतलब है ना मतलब 7 से बोल रहा हूँ, और अपना क्या है कि यहीं पे ऑफिस वगैरह है, तो आज हमें असुविधा महसूस हो रही है, मतलब निकलने का कोई विकल्प नहीं, नज़र नहीं आ रहा है, और रेड लाइट से क्रॉस होकर आना पड़ रहा है, मतलब इतना ट्रैफिक है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं है। आज AMI रोड पे 2 मिनट गाड़ी खड़ा हो तो ट्रैफिक वाले गाड़ी उठा लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, मतलब मंदिर प्रशासन की तरफ से मतलब खुली छूट है कि पब्लिक कहीं पे भी गाड़ी लगाओ, कहीं पे कुछ करो। हम यहाँ बालाजी टावर व्यापार मंडल से बोल रहे हैं, मेरा गजराज प्रॉपर्टी के नाम से 8 साल से मेरा ऑफिस है। अब आज क्या है कि ऐसी दुविधा में पड़े हैं कि हमें ना रेड लाइट से आगे जाके क्रॉस करके गाड़ी निकाल के लानी पड़ती है हमें, और मतलब प्रशासन इतनी उसमें है कि हमें कोई मतलब कोई व्यवस्था कुछ नहीं है, और ऐसी मतलब स्थिति है कि हमें आगे जाके क्रॉस करके अपनी गाड़ी वगैरह निकाल के लानी पड़ती है। अब आप देख सकते हैं कि आज कितना ट्रैफिक है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं है, मतलब कोई प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। आज कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर दो AMI रोड पे, कहीं पे भी मतलब आज कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर दो तो उसको क्या है कि 2 मिनट में गाड़ी उठा के ले जाएंगे, यहाँ कोई कुछ नहीं व्यवस्था नहीं है। देखिए इन भाई साहबों को कहना है कि यहाँ पर इस रोड पर ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आता है और नहीं सुनवाई करता है, वह अंदर लगाने की जगह नहीं है, यहाँ पर नहीं का बोर्ड पारिंग का और ना ही कोई जेडीओ बोर्ड, सभी कागज तरीके से हुई है। यहाँ पर यात्री पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि इस तरह से गाड़ियों को अवैध तरीके से रोड पर खड़ी कर देते हैं, जिस पर JDA का कोई यहाँ पर पार्किंग नहीं है और ना ही कोई नगर निगम का पार्किंग है, सभी गाड़ियाँ अवैध तरीके से खड़ी करनी पड़ती हैं। जबकि प्रशासन को यहाँ पर सचेत होना चाहिए कि आप इतना बड़ा मंदिर रहते हुए यहाँ पर पार्किंग स्थल नहीं है। जयपुर शहर के अंदर अगर इस तरह से देखिए पूरा जाम लगा हुआ है, और ऐसे भी भयंकर जाम लग जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि जयपुर शहर के अंदर प्रशासन कितना सतर्क है, जबकि यहाँ पर आए दिन जाम लगता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, मगर जयपुर शहर के अंदर प्रशासन एकदम अंधा होकर बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन आता है कि गाड़ियाँ जब पूजा करने स्थल है यहाँ पर इस तरह से गाड़ी अवैध तरीके से खड़ी हो जाती हैं, जिससे जाम लग जाता है और रोड पर आने जाने वाले सभी राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस तरह से अगर हाईवे पर गाड़ी खड़ी होती है तो कितना अवैध तरीका है और एक्सीडेंट होने का डर रहता है यहाँ पर। तो इन चीज़ों के बारे में जयपुर शहर के अंदर प्रशासन को सचेत होना चाहिए कि यहाँ पर पार्किंग स्थल नहीं है, मगर इस मंदिर के लिए पार्किंग स्थल पहले व्यवस्था करानी चाहिए थी, जहाँ पर यात्रियों को आने जाने के लिए असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन इस्माइल खान।